नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर से हो सकती है पूछताछ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। दिल्ली पुलिस के प्रमुख बीएस बस्सी ने थरूर से पूछताछ की संभावना से इनकार नहीं किया है और कहा कि मामले की जांच के लिए जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि सुनंदा की मौत के करीब एक वर्ष बाद हत्या का मामला क्यों दर्ज किया गया, बस्सी ने कहा कि एम्स की अंतिम रिपोर्ट के कारण FIR दर्ज करना जरूरी हो गया था ताकि सुनंदा के विषरा नमूने आगे की जांच के लिए विदेश भेजे जा सके। हिंदू कम से कम 5 बच्चे पैदा करें, भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा। भाजपा सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि हिंदुओं को परिवार नियोजन का पालन नहीं करना चाहिए और कम से कम 5 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि देश को बचाया जा सके। मेरठ में आयोजित संत समागम में साक्षी महाराज ने कहा, देश में अच्छे दिन आ गए हैं और अब 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू अब तक छोटा परिवार सुखी परिवार हम दो हमारे दो जैसे सरकारी नारों पर अमल करता आया है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग इन नारों की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। इसके कारण स्थिति खतरनाक हो गई है। सब्जियों के दाम आसमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सब्जियों की कीमतों में तेजी को तात्कालिक परिघटना बताते हुए सरकार ने कहा कि बरसात के कारण यातायात की कुछ दिक्कतों और बेहद ठंडे मौसम के कारण कुछ कृषि उत्पादों की आपूर्ति में बाधा हुई है। आंकड़ों के अनुसार आलू को छोड़कर लगभग सभी सब्जियों की थोक कीमतें पिछले वर्ष के समान महीने के मुकाबले इस माह काफ़ी बढ़ी हैं। गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और मटर जैसी जाड़े की सब्जियों की कीमतें 2 गुना से भी अधिक बढ़ गई हैं। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का विशाल स्कोर। स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन 7 विकेट के नुकसान पर 572 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया और चायकाल के बाद पारी घोषित कर दी। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 112 रन देकर 5 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए थे। इसके साथ ही स्टीवन स्मिथ ने टेस्ट श्रृंखला में लगातार 4 शतक लगाकर महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रेडमैन और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कैलिस के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.webdunia.com।